बैक टू द चैनल, दिस इज डॉक्टर चंद्र फ्रॉम डॉक्टर चंद्र डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टूथ। वी आर डूइंग 365 डेज चैलेंज, जिसमें हम हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं ऑन ओरल हेल्थ एजुकेशन एज वेल एज डेंटिस्ट्री। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का जो वीडियो है वो एक Q&A सेशन है, जिसमें आपके कुछ सवाल हैं उन्हीं के जवाब मैं देने वाला हूँ। इस लॉकडाउन के दिनों में मुझे काफ़ी सवाल आए हैं, मोस्टली जो है वो OSMF के बारे में है। आई डोंट नो वाई, पर OSMF जो है इट टर्न्स आउट कि हमारे देश में बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है और प्रॉपर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। तो सबसे कॉमन सवाल और सबसे बड़ा सवाल जो है वो है कि क्या OSMF से कैंसर हो जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं, जो कि सब लोग सवाल करते हैं बार बार कि सर मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, मेरी दो उंगलियां मुंह में जाती हैं, ढाई उंगली मुंह में जाती हैं, मुझे तीखा लगता है, मुझे जलन होती है, तो मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा। तो मैं आप सबको ये बता दूं कि जी नहीं, सबको कैंसर नहीं होता। पर ये बात भी है कि OSMF जो है वो प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है, मतलब कैंसर से पहले होने वाली कंडीशन, प्री मेलिग्नेंट, प्री कैंसरस। तो अगर हम बात करें क्या OSMF वाले पेशेंट जो हैं उनको कैंसर होता ही होता है, तो ऐसा नहीं है। जी हाँ, कुछ परसेंटेज है जिनको कैंसर होता है, और वो कितनी परसेंटेज है, वो है 7-25%। 7-25% लोगों को कैंसर हो सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा है, कम नहीं है। वेयर एज हम ल्यूकोप्लेकिया की बात करें तो उसमें 0.1-10% तक लोगों को कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और अगर हम लाइकेन प्लैनेस की बात करें तो वो भी बहुत कम है, दैट्स लाइक 1 in 100 पीपल। अगर आपको लाइकेन प्लैनेस 10 साल तक रहा है तो परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो सकता। सबसे कॉमन है OSMF। तो OSMF में मैंने आपको बता दिया कि क्या परसेंटेज है कैंसर में टर्न होने की, लेकिन क्या सभी में टर्न हो जाता है, ऐसा नहीं है। जिनकी स्टेज बहुत क्रिटिकल है, लास्ट स्टेज है, उनका मुंह बिल्कुल ही नहीं खुलता है, दिक्कतें हैं बहुत सारी, ठीक है, उनमें जाके आगे कुछ परसेंटेज में मेलिग्नेंसी हो सकती है। इसीलिए वहाँ तक जाना ही क्यों है, आपने पहले ही अपना इलाज करवाना है, अपने ट्रीटमेंट पे ध्यान रखना है, अपनी जो बुरी आदतें हैं पान तंबाकू गुटखा चरदा स्मोकिंग अल्कोहल वो छोड़नी है, ठीक है, क्योंकि बिना उसको छोड़े इलाज पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कि हमारी स्माइल ख़राब हो गई है, हमारी गालें अंदर को पिचक गई हैं, पतली हो गई हैं, तो इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो अगर आपने पान तंबाकू ज़्यादा बहुत सालों से खा रहे हैं, आपकी गालों में फाइबर्स बन गए हैं, तो ऑब्वियसली आपकी गालें जो है पतली पड़ गई हैं, वो पिचक गई हैं अंदर की तरफ, और आपकी स्माइल टेढ़ी हो गई है। एक अगर आप एक तरफ से खाते थे तो एक तरफ से आपकी स्माइल टेढ़ी हो गई है, वो सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन इट विल टेक टाइम। और सबसे पहली कंडीशन वही रहेगी कि आपने जो पॉजिटिव एजेंट है पान तंबाकू ज़्यादा वो छोड़ना है, बिना उसे छोड़े ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको कोई कहता है ये दवाई खा लीजिए, होम्योपैथी खा लीजिए, एलोपैथी खा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, बिना पॉजिटिव एजेंट को छोड़े हुए ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। सवाल नंबर 3 की बात करते हैं कि सर मैंने पान तंबाकू ज़्यादा छोड़ दिया है और 6 महीने हो गए हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप पिछले 5 साल से 10 साल से खा रहे हैं तो जितना नुकसान हुआ है उसको आप 6 महीने में 1 साल में ठीक नहीं कर पाएंगे। पहली बात कि क्या पूरी तरह ठीक हो जाता है, नहीं। सपोज़ अगर आपकी माउथ ओपनिंग 4 उंगली की थी और पान तंबाकू खाने के बाद आपकी वो माउथ ओपनिंग 2 उंगली तक रह गई, अगर आप उसको छोड़ देते हैं, इलाज करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, तो वो 2 से 3 हो जाएगी। बहुत अच्छी तरह ध्यान रखेंगे तो 3 से 3.25 हो जाएगी, लेकिन दोबारा 4 होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए दोबारा उस स्टेट में आना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इनिशियल स्टेजेस पे ही उसे रोक दें, बिकॉज ये चीज़ें आपको ख़राब करनी है, आपके ओरल म्यूकोसा को ख़राब करनी है, आप खाने का स्वाद नहीं ले सकते, हर चीज़ पे आपको तीखा लगता है, बुरा आपकी स्माइल लाइन ख़राब हो जाती है, आप ढंग से स्माइल नहीं कर सकते। कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं मेरे जिनका माउथ ओपनिंग इतना कम है वो बोल नहीं पाते हैं, उनको बोलने में दिक्कत होती है। जब वो आते हैं तो अपने साथ किसी को लेके आते हैं ताकि उनके भी हाथ पे कोई और बात कर सके, उस चीज़ देख के मुझे बहुत फील होता है, तभी ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो, आपको अपना ध्यान खुद रखना है। और भी कुछ सवाल हैं, जैसे बहुत कॉमन
फनी सवाल है कि सर मुझे OSMF है, मुझे इसका इलाज बताइए। तो पहली चीज, आपको कैसे मालूम कि आपको OSMF है? हाँ, अगर आपने डॉक्टर को दिखाया है, आपको मालूम है, तो फिर मुझे आप अपनी रिपोर्ट्स और पूरी डिटेल भेज सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस देख के आप बता देते हैं, बिकॉज मैं अपनी वीडियोस में ज़रूर एक बात कहता हूँ कि प्लीज़ गो फॉर अ चेकअप। बिना चेकअप के कोई नहीं बता सकता। या आप मुझे अपनी पिक्चर्स भेजिए या मेरे साथ कोई वीडियो कॉल कीजिए ताकि मैं आपको देख सकूँ और बता पाऊँ कि जी हाँ, आपको ये प्रॉब्लम है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो फिर ही हम इस बारे में आगे सोचें, ट्रीटमेंट प्लान के बारे में। अगर आपको प्रॉब्लम कुछ और है, बिकॉज मुंह के अंदर कोई लीजन होना या कोई दाग होना वो OSMF नहीं होता है, उसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे ल्यूकोप्लेकिया है, लाइकेन प्लानस है। इसलिए खुद डॉक्टर नहीं बनना है आपको, डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर को चेकअप कराएं। अगर डॉक्टर कहता है आपको OSMF है तो फिर ज़रूर उसका ट्रीटमेंट लें, बिकॉज OSMF के मिलते जुलते काफ़ी और लीजन हैं जो मिलते जुलते हैं, इसलिए हम खुद नहीं बता सकते कि हमें OSMF है, तो वो डॉक्टर पे छोड़ दें। क्या मुझे ये ट्रीटमेंट सारी उम्र करना पड़ेगा? ये सवाल सबसे कॉमन आता है। सपोज आपकी उम्र 30 साल है और पिछले 10 साल से आप पान, तंबाकू, जर्दा खा रहे हैं। अब आपकी माउथ ओपनिंग है 2 उंगलियां, 2 फिंगर्स, तो 2 फिंगर्स माउथ ओपनिंग को 3 फिंगर्स तक लेके जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पान, तंबाकू, जर्दा छोड़ना पड़ेगा, और जो 10 साल खा के आपने नुकसान किया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो जी हाँ, सारी उम्र के लिए आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। आई नो इट्स टू मच टू आस्क, बट अगर आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है, आप चाहते हैं ठीक होना, तो आपको ज़िंदगी भर उस चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ज़िंदगी भर आपने उसके लिए मेहनत करनी है, जैसे एक्सरसाइज हो गई, जैसे आपकी डाइट चेंज हो गई, डाइट अच्छी हो गई, कुकर्मिन हो गया, लाइकोपिन हो गया, बीटा कैरोटीन एक्सट्रैक्ट हो गया, ये चीज़ें आप ले सकते हैं बार बार, बीच बीच में ऑन एंड ऑफ ले सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव जो एजेंट है, जो पान, तंबाकू, जर्दा है, ये छोड़ना पड़ेगा। और मैं ये चीज़ बोल बोल के तंग आ चुका हूँ एक ही बात, कि बिना इसको छोड़े ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस भी मैं इसी चीज़ में देता हूँ कि जब तक आप ये चीज़ें बुरी आते नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मेरे एक पेशेंट हैं फ्रॉम बेंगलोर आई थिंक, वो उनकी उम्र है 20 साल, उनकी माउथ ओपनिंग है 1.5 फिंगर, और वो खाना खाने में दिक्कत होती है, चम्मच से खाना खाते हैं। दूसरी बात, उनसे बोला नहीं जाता, बिकॉज माउथ ओपनिंग इतनी कम हो चुकी है तो बोलने में दिक्कत आती है। 20 साल के हैं, माँ बाप सोचते हैं कि आगे जाके हमारा बेटा कुछ करेगा या कल को इसकी शादी होगी तो वो सब कैसे होगा। और उनके बेटे के मुताबिक उसने सिर्फ 1 या 1.5 साल के लिए गुटखा खाया, जो कि अगर सच बोल रहे हैं तब तो आई डोंट नो, बट जनरली 1-1.5 साल खाने से ऐसा होता नहीं है, ज़्यादा देर खाया हो तो ही इतनी बुरी कंडीशन होती है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक 20 साल का बच्चा जिसकी माउथ ओपनिंग 1.5 उंगली है, और वो उसको डे टू डे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आती है, उसकी स्माइल लाइन टेढ़ी हो गई है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो चुका है, वो कॉलेज जाता होगा या कुछ भी काम करता होगा, तो वो मतलब ये जो टाइम था उसकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, और इसी टाइम पे वो सबसे अंडर कॉन्फिडेंट है। तो ये चीज़ें किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। लाइफ बहुत प्रीशियस है, आपकी हेल्थ बहुत प्रीशियस है, आपका जो ओरल कैविटी है बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, खाने का स्वाद है, लाइफस्टाइल है, स्माइल है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप सिर्फ पान, तंबाकू, जर्दे के हाथ ना भेज दें, उसका ध्यान रखें। तो कोई भी सवाल हो, डाउट हो, तो इन लॉकडाउन के दिनों में हम फ्री डेंटल कंसल्टेशन दे रहे हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे DM करें अपनी प्रॉब्लम के साथ। और विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। दिस इज डॉक्टर चंद्र फ्रॉम डॉक्टर चंद्र डेंटल स्टूडियो, और आप देख रहे हैं द विजडम टॉक। सी यू टुमारो।